नमस्कार, मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लास्टिक पर। दोस्तों, अभी हमारे सीरीज टारगेट 80 प्लस का आज है आपका डे 23 एंड 24। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे नए चीज़ सीखेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 9 बजे सुबह जो है वो इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई स्टोरी डल जाती है जिसमें आपको डाउट पूछने होते हैं, और रात को 9 बजे टेलीग्राम पर क्यूज होता है साक्षी मैम और पोकेमोन सर के द्वारा। तो क्यूज ज़रूर ज्वाइन करें। ये सब पढ़ने के साथ साथ आपको क्यूज भी अटेंड करना है और बहुत सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं, सॉल्व करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, आपको टारगेट 80 प्लस अचीव करने में बहुत ही आसानी लगेगी। ठीक है, तो आज का टारगेट शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ्स से। तो बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में कंसेप्ट 2 पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था अभी, आपको पता है, तो कल हमने प्रॉफिट लॉस शुरू किया था। तो ये जो टारगेट दी जाती है ये 2 दिनों के लिए एक साथ दी जाती है। 2 दिनों के लिए आपको टारगेट कंप्लीट करना होता है, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 दिनों के लिए मिलती है, क्योंकि ड्यूटी की वजह से इस तरीके से स्टडी चल रहा है। तो इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट 2 में CPF एक्स एंड SPF वाई, मतलब कि ऐसे सवाल दे देगा कि कॉस्ट प्राइस का इतना प्रतिशत जो है वो SP सेलिंग प्राइस का इतना प्रतिशत है या फिर इतना बराबर है, तो ज्ञात करिए कॉस्ट या CP का रेशियो या फिर कॉस्ट प्राइस कुछ भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन SP और CP, मतलब SP और CP जो है इक्वल है किसके, प्रॉफिट और लॉस के बराबर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 4 में क्या पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन SP, अगर आपके सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो फिर वहाँ पे CP ज्ञात करना हो सकता है या फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो सकता है। कॉन्सेप्ट 5, प्रॉफिट ऑब्टेंड इन एक्स टाइम ऑफ द लॉस इन पीरियड, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कहता है कि राम ने अगर इतने रुपए में कोई सामान बेचे तो उसको हानि हो रही है, अगर वही सामान इतने रुपए में बेचा जाए तो उसको इतनी गुनी लाभ हो रही है या फिर हानि से इतना गुना ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्ट 5 के अंदर देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट 6 में क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कि कोई भी सामान आप इतने रुपये में खरीद के इतने रुपये में बेचते हो, यानी कि जैसे अगर सवाल है कि 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है और 11 रुपये में 20 पेन बेच देता है, तो ये सब का जो टाइप का जो सवाल है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे। तो आप आज ये 5 कॉन्सेप्ट्स, CPSP का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस SP इक्वल्स का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस ऑन SP का कॉन्सेप्ट, ऑब्टेंड जो मतलब कि लाभ हानि के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, आप राकेश यादव सर से भी सीख सकते हो, आदित्य रंजन सर से भी सीख सकते हो या फिर भूतेश सर से भी सीख सकते हो। ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस सीखने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन 60 मिनट में करना है, क्या प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यूब रूट और टेबल 1 to 30, ये 5 चीज़ें आपको कंपलसरी डेली करनी है। ठीक है, अब बात करें हम अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टाइप्स बताया था कल हमने डायरेक्शन का, अभी आपका डायरेक्शन चल रहा है ना टॉपिक रीजनिंग का, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, तो आपको कल मैंने बेसिक चीज़ बताई थी, आज टाइप्स देखो क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लास्ट डायरेक्शन पॉइंट, लास्ट डायरेक्शन पॉइंट बोले तो कि वो पॉइंट जब आप अंतिम समय पे पहुंचते हैं और आपकी मुख किस दिशा में है, यानी कि आप कहां पर पहुंच गए हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देगा कि रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और उसके बाद बाएं घूमता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर सीधा चलता है, फिर 20 मीटर दाएं मुड़ता है, तो अंतिम समय पे वो स्कूल पहुंच जाता है। अब उसकी दिशा किस, उसके मुख किस दिशा की ओर है, स्कूल का मुख किस दिशा की ओर है, तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब इसी के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय मतलब जब एंगल्स दिया रहेंगे तो उस समय सीधा सीधा आप नहीं निकाल सकते हो, छोटे बड़े कोण का अंतर दिया रहेगा, तब उस समय पाइथागोरस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई सवाल है डायरेक्टली पूछ देता है, तो आप इजीली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के कॉन्सेप्ट से ये कर्ण बताओगे तो ये इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, ना कि ये सीधा वाला। ठीक है, तो सवाल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा है स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो बताएगा कि रमेश अपने घर से पूर्व मुड़ा, रमेश अपने घर से निकला, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के फिर सीधा चला, फिर बाएं मुड़ा, अब उसकी मुख पश्चिम दिशा में है, तो रमेश जब घर से निकला था तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन पूछता है आपसे। व्हेन एंगल गिवन, कभी कभी एंगल दिया रहेगा, जैसे रमेश घर से पूर्व दिशा की ओर निकला, 35 डिग्री दाएं मुड़ा, 145 डिग्री बाएं मुड़ा, 90 डिग्री सीधा चला गया, तो बताइए कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है या फिर किस दिशा की ओर उसकी मुख है, तो ये एंगल साइड गिवन हो गया। उसके बाद व्हेन डायरेक्शन चेंज इन द सब डायरेक्शन, अब कभी कभी सवाल में ही दिया रहेगा कि जैसे अगर पूरब को उत्तर पूर्व मान लिया जाए, दक्षिण को साउथ ईस्ट मान लिया जाए, तो इस तरीके से जब डायरेक्शन सब डायरेक्शन में चेंज करके क्वेश्चन देगा तो आपको भी उसी तरीके से लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर आप ये वाला डायग्राम बना लोगे। ठीक है, और इस तरीके से आप इस डायग्राम पे फिट कर लोगे उस सवाल को और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद बात करें तो छठा है इफ हेड डाउन फीट अप, मतलब कि कभी कभी अब सवाल आता है बैंकिंग का है, लेकिन एक आध सवाल जो है आपसे इसमें पूछने के चांसेस रहेंगे कि जब कोई मनुष्य का हेड नीचे हो जमीन पे और पैर हवा में ऊपर हो तो उसका डायरेक्शन पूछ लिया जाएगा, तो ठीक विपरीत आपको काम करना है। ठीक है, तो ये आपका छठा है कंसेप्ट। सातवां साइड परछाई, कि सुबह सुबह मोहन जा रहा है उसके सामने से रोहन आ रहा है, अगर मोहन की परछाई जो है रोहन के दाई साइड पड़ रही है तो किस दिशा में है ऐसा करके। ठीक है, तो आपको पता ही है सुबह सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, शाम को सूरज किधर से ढलता है, पश्चिम से, तो हमको सीधा सीधा बता देना है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेन एंड स्मोक। ट्रेन एंड स्मोक मतलब कि ट्रेन अगर पूरब की दिशा की ओर जा रही है, स्मोक पीछे की जा रही है, तो स्मोक कौन सी दिशा में जाएगी, इस तरीके से सवाल आएंगे। हवा भी किधर इधर से बह रही है तो स्मोक उधर जा रही है, तो ये ट्रेन और धुएं की बात हो गई। अगर लास्ट है कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन दिया रहता है कि अगर पूरब को हम एक्स मान लें, पश्चिम को वाई मान लें, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करके एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, वो आपका होता है कोडेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 9 टाइप्स हैं, आप 2 दिनों के अंदर अगर ख़त्म कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप 23, 24, 25 3 दिनों के अंदर भी आप ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे जीके में। तो जीके में सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की, तो आप बायोलॉजी में अभी जो है कल मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके होंगे बढ़िया तरीके से। आज आपको क्या करना है, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक पढ़ना है। ठीक है, पादप उत्तक स्टार्ट करना है। पादप उत्तक में क्या क्या चीज़ मिलेंगी आपको, टाइप्स मिलेंगे उसमें, विभाजोत्तक, उत्तक, अंदर्शीय उत्तक, उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा, प्रोन्काइमा। ठीक है, उसके अंदर फंक्शंस, वो उत्तक का फंक्शंस क्या है, टिश्यूज का फंक्शन क्या है, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये 3-4 टॉपिक्स जो है वो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम्स में और एनटीपीसी के एग्जाम में भी। ठीक है, अब बात करें अगर बायोलॉजी पढ़ना है ना, तो इस टॉपिक्स को एक बार एनसीईआरटी 9th क्लास में मिलेगा आपको, वहाँ से एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छा से समझाया गया है फिगर के साथ, क्योंकि एग्जाम्स में फिगर भी दे देता है और फिर आंसर पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करें जीके में, तो जीके में हिस्ट्री का जो आपने मौर्य वंश था वो खत्म कर लिया होगा। आज सुंग और कर्ण वंश में से थोड़े थोड़े पढ़ने हैं। सुंग और कर्ण वंश बहुत छोटा है, बस 7-8 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, और सातवाहन वंश ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सातवाहन वंश इसमें से सवाल आते हैं मैक्सिमम, जो सबसे फेमस सवाल है गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ये वाला जो है सवाल सातवाहन वंश का सबसे फेमस क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ से ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपने कल वर्ण पढ़ लिया होगा, वर्णों का प्रकार पढ़ लिया होगा, वर्ण की कैटेगरी पढ़ ली होगी। अब आज आपको पढ़ना है महाद्वीप। महाद्वीप में आपको स्टार्ट करना है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको 2-3 दिनों के अंदर ख़त्म करना है, तो डे 24 में आप इसके जो परिपाटी है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बारे में और पहाड़ नदी के बारे में पढ़ लोगे, और डे 24 में आप इसके जो अपने पॉलिटिकल क्षेत्र व्यू है उसके बारे में पढ़ लोगे, और अगले बार डे 25 में हम पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि एशिया के अंदर ही है, तो माउंट एवरेस्ट को पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब बात करें हम अगर दोस्तों पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य में याद रख लेना वो लाइन 10-11 जो कर्तव्य है, और आर्टिकल्स जो है वो कब लागू किया था ये। ठीक है, संघीय कार्यपालिका स्टार्ट करना है। संघीय कार्यपालिका के अंदर आपको पढ़ना है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बहुत लंबा है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ना है, योग्यता से संबंधित आर्टिकल्स पढ़ लेना, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगते हैं उसके आर्टिकल पढ़ लेना 71, उसके बाद 71 का जो एक पावर है क्षमादान की शक्ति। ठीक है ना, राष्ट्रपति किसी की भी मृत्यु को क्षमा कर सकता है, फांसी की सजा को, वो 71 में आता है, वो पढ़ लेना। अगर वो लेट से मिलेगा तो बाद में पढ़ना, महाभियोग पढ़ लेना, वेतन और अधिकार, ये 3 चीज़ पढ़ लेना। फिर हम कर्तव्य और विधायी शक्तियों को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना 2 दिनों के अंदर। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पूरा खत्म हो जाता है। अब लास्ट में जीके जब खत्म हो जाए तब क्या करना है आपको, परमार SSC के PYQ जो सीरीज चल रहे हैं CBT 1 के, उसके वीडियो सीरीज में से 10 और 11 वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद रात को 9 बजे अटेंड करना है टेलीग्राम पर क्यूजेस, जिसके अंदर आपको जीके का भी क्यूज मिलेगा, मैथ्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलते हैं टॉपिक के। तो संपूर्ण तैयारी फ्री में आपको मिल रहा है प्लास्टिक पे, और कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से, बिना किसी आपको भ्रम में डाले, बिना बेवकूफ़ बनाए, बिना 99 रुपये का कोर्स बेचे आपको, इस तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो ट्रस्ट बनाइए, मेहनत करिए, आपको जरूर 80+ स्कोर गेन करवाने में हम मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर दबा दीजिएगा, और शेयर करेगा अपने दोस्तों को, और इंस्टाग्राम पर डाउट पूछने के लिए आप फॉलो करके हमें पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करके आप PDF फ्री क्यूजेस
और बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारे सेशंस आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं ग्लूडी में, तब तक के लिए जय हिंद।